मन को कंट्रोल कैसे करें? अगर आप अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते तो ये और तेजी से भागेगा, और अगर आप इसके ऊपर ज्यादा दबाव डालते हैं कंट्रोल करने का, तो ये कई गुना स्पीड से भागेगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपका बॉडी में लिवर है, हार्ट है, किडनी है, आपने कभी ऐसा नहीं बोला कि मुझे अपने लिवर को कंट्रोल करना है, हार्ट को कंट्रोल करना है। जब तक उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए तब तक तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी बॉडी में लिवर भी है, किडनी भी है। लेकिन मन को कंट्रोल करना है, क्योंकि ज्यादातर परेशानियों की जड़ ये मन ही है, सब दुखों का जो कारण है ये मन ही है। तो फिर मन को कंट्रोल कैसे करें? एक्चुअल में प्रॉब्लम किधर है पहले हम इसको समझते हैं। बचपन से लेके आज तक आपने जो भी जानकारी इकट्ठी करी है वो आपके दिमाग में स्टोर है। आपको लगता है कि ये जो जानकारी है, ये मैं, आपका घर, आपका गाड़ी, आपका पैसा, प्रॉपर्टी, फैमिली, और आपके दिमाग में ये जो जानकारी है, ये सब आपको लगता है कि ये मैं और ये मेरी लाइफ है। ऐसा नहीं, ये जानकारी आपकी जरूर है लेकिन आप नहीं हैं। आपकी जानकारी, आपका जी, फैमिली, घर, बिजनेस, जो भी है, आपका एक जुड़ाव हो रखा है इन सब के साथ, एक गहन जुड़ाव। और आपको लगता है कि ये सब मैं हूं और ये मेरी लाइफ है। ऐसा नहीं, अगर आपने इस जुड़ाव को कैसे ब्रेक करना है, अगर इसमें आप सफल हो गए, आप मन से वो करवा सकते हैं जो आप करवाना चाहते हैं। मन को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, बट आप अपने मन को शांत जरूर कर सकते हैं। और शांत करने के लिए कुछ टिप्स हैं, और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। नंबर वन, गहरी सांस लें। अभी आप जो सांस ले रहे हैं उसको थोड़ा नॉर्मल से गहरा कीजिए, और कोशिश कीजिए ये आपकी एक आदत बन जाए। ऐसा करने से आपके दिमाग में अच्छे रसायन बनते हैं और आपके मन को शांत होने में मदद मिलती है। नंबर टू, ध्यान लगाएं। 12 से 15 मिनट आपको डेली ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही घर में, अपने ही रूम में कर सकते हैं। ध्यान करने से आपके मन की जो एकाग्रता है वो बढ़ेगी, और आपका जो मन है वो प्रेजेंट मोमेंट पर स्थिर हो। नंबर थ्री, रचनात्मक काम करें। कोई भी ऐसा काम जिसको करने से आपको बहुत मजा आता है, कुछ भी हो सकता है, कोई पेंटिंग हो सकती है, आप मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ऐसा काम जिसको करने से आप ये भी भूल जाएं कि मुझे खाना भी खाना है, मुझे सोना भी है, इस टाइप का कुछ भी। नंबर फोर, नेचर के करीब रहें। नेचर के करीब रहने से आपका मन शांत होगा और तनाव भी कम होगा। आप अपने घर में पौधे लगा सकते हैं, अपनी बालकोनी में पौधे लगा सकते हैं, अपने घर में कोई एक ग्रीन स्पेस बनाएं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें नेचर के करीब रहने की। नंबर फाइव, स्वस्थ भोजन करें। हरी सब्जियां खाएं, कोशिश करें कच्ची सब्जियां खाएं। ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खाने से आपका जो तनाव और आपकी चिंता, ये दोनों कम होगा। नंबर सिक्स, मंत्र जाप करें। जो भी आपके इष्ट हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उसके नाम का एक जाप करें। अगर आपको नहीं मालूम है कि मुझे कौन सा जाप करना है, तो मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि महादेव का ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसको करने से आपका मन शांत हो, और अगर आप एक
माला जाप कर सकते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 7, तनाव पर प्रतिक्रिया। जब आप तनाव में हैं और उस टाइम पे अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो किसी भी इंसान के प्रति प्रतिक्रिया ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो मन है और भी अशांत हो जाएगा, जो आपको और भी परेशान कर देगा। कोशिश करें चुप रहने की, मौन रहने की। नंबर 8, जहर। गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, जलन, ये सभी एक टाइप के जहर हैं, जो ज़्यादातर लोग इसको डेली पीते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि कोई सामने वाला मरेगा, कोई दूसरा मरेगा। ये ऐसे काम नहीं करता है। अगर आप जहर पियेंगे तो आप ही मरेंगे। तो इस टाइप का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश कीजिए और जितना हो सकता है इसको कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर ये सब चीज़ कम हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका मन शांत हो। फाइनली, चाहे डिप्रेशन हो, ओवरथिंकिंग हो, अननेसेसरी थॉट्स या एंग्जाइटी या तनाव, अगर आप इन स्टेप्स को पूरी जागरूकता के साथ अमल में लाते हैं तो 2 हफ्ते के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आपका जो प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम से ज़रूर बाहर निकलेंगे। और अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी डाल सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपके मैसेज का जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।